तीन चीजों से चुनाव लड़े जाती है, चर्चा, खर्चा और पर्चा। चर्चा, खर्चा और पर्चा, पर्चा, खर्चा, चर्चा, खर्चा, पर्चा, चर्चा। ये तीन चीजें तीन बार रिपीट होती है। इसको समझाते हैं कैसे तीन चीजों से चुनाव लड़ी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस अंक में, चुनाव तंत्र में, पंचायत चुनाव जीतने का क्या मूल मंत्र है, कैसे हम प्रत्याशी बनकर लोगों के बीच जाए, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि इंट्रो में भी मैंने बताया था कि चुनाव लड़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, क्या है बेसिक चीज, क्या है बेसिक नीड, क्या है, तो हम अपनी भाषा में समझ लीजिए, चर्चा, पर्चा, खर्चा, ये तीन चीज़ें चुनाव लड़ने के लिए, खास करके पंचायत चुनाव, हालांकि किसी भी चुनाव में जाने के लिए ये तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब आपके ऊपर काबिलियत है कि आपके पास क्या चीज ज़्यादा है, क्या खर्च करना चाहते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहते हैं। तो तीनों जो वस्तु है उसके मैं अलग अलग बार आगे पीछे करके मैं नाम लिया था। तो इसका क्या मायने है, मतलब क्या है? तो चुनाव में आप जाते हैं, चुनाव में अगर आप जाते हैं और आपकी चर्चा पहले से है, चर्चा पहले से है, तो पर्चा और खर्चा दोनों थोड़ा थोड़ा बचत होगा, दोनों की बचत होगी। और वही थोड़ी सी चर्चा को पीछे करके पर्चा को आगे कर दीजिए, तो अगर आपका पर्चा मतलब प्रचार अच्छा से हो पाया तो आपकी चर्चा होगी, खर्चा यहाँ पर भी थोड़ा सा कम होगा। और तीसरी स्थिति है जो बड़ी क्रूशियल स्थिति है, खर्चा उसके बाद चर्चा फिर पर्चा। तो ऐसे लोग भी चुनाव में आते हैं, ज़्यादातर यही वैसे ही लोग आ रहे हैं, पहले खर्च करते हैं, उसके बाद उनकी चर्चा होती है, उसके बाद उनको वो पर्चा बांटते हैं, मतलब चुनाव के लिए अपना सिंबल बताते हैं, जो भी करते हैं, पर्चा मतलब ठेपा पड़ जाता है। तो दोस्तों, यह थी गूढ़ विषय चुनाव की, और ख़ास करके पंचायत चुनाव। मैं तो कहता हूँ कि अगर स्ट्रेटजी बनाना हो, रणनीति बनाना हो, तो लोकसभा विधानसभा की रणनीति बहुत आसान है बनिस्पत पंचायत चुनाव के, छोटे स्तर के चुनाव के, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है, बड़े स्तर पे पार्टियां लड़ती है, पार्टियों के स्तर पर होता है, अगर कोई लड़ता भी है तो पहले से ही इतना वो उसकी चर्चा हो गई होती है, चर्चित व्यक्ति ही अगर निर्दलीय भी लड़ता है तो चर्चित व्यक्ति ही लड़ता है, और उसकी तैयारी कई वर्षों से रहती है। खैर, वो विधानसभा लोकसभा की बात हम छोड़ते हैं। कल हम जहाँ तक बात किए थे कि लोकप्रियता कैसे हासिल करें, कैसे नाम कमाएं, उसकी चर्चा पांच बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी, आप लोग शायद समझ गए होंगे बहुत अच्छा अच्छी तरीके से, क्योंकि कमेंट में किसी तरह का उस तरह का अभी तक नहीं आया है कि यह चीज़ मैं नहीं समझ पाया हूं। तो दोस्तों, कल की बात जो आपने समझा, वह उसके बाद हमने एक चर्चा किया था, एक मुद्दे पर चर्चा किया था कि हम अगर आपका प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा मजबूत हो, आपसे मजबूत हो, अनैतिक हो, चुनाव में अनैतिक चीज़ों का भी प्रयोग करता हो, चाहे वो ज़्यादा दबंग हो, तो क्या आप चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, उससे चुनाव लड़ा जा सकता है कि नहीं लड़ा जा सकता है। तो इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव की जो खासियत होती है और क्या खामियाँ होती है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चुनाव में जाने से पहले आप को क्या क्या रखना है और कैसे उसमें आप अपना कैंपेन करेंगे, और बहुत सारे सवाल कमेंट में आ रहे हैं एक एक करके कि जिला परिषद के लिए अलग से एक वीडियो बना दीजिए, वार्ड के लिए अलग से वीडियो बना दीजिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए अलग से वीडियो बना दीजिए। वो अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, लेकिन बहुत सारी बातें कॉमन होती है। पंचायत जो चुनाव होता है छोटे स्तर के होता है, उसमें आपकी कोई ऐसा कोई लिखित स्ट्रेटजी नहीं काम करेगी, जैसा आप किसी से सीख लिए चाहे किसी को अपना लिए, वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनानी पड़ेगी, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा उसमें।
आपको एक एक व्यक्ति से संबंध रखना है, एक एक व्यक्ति से आप संपर्क करें। आप सबसे बड़ी स्ट्रेटजी पंचायत चुनाव में है, क्योंकि छोटे लेवल का सबको आप जानते हैं और सब आपको जानते हैं, तो एक एक व्यक्ति से संपर्क रखना है। जाति और धर्म का तो नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लेना है, लेकिन अगर आप अपना कुनबा बढ़ाते हैं, पंचायत चुनाव में जातियों का उल्लेख, जातियों का वर्चस्व होना आम बात है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से चुनाव होते हैं और जाति का नाम उसमें लिया जाता है और जाति के आधार पे वोट मांगा जाता है, तो आपको दोनों तरफ का प्लस पॉइंट है। अगर आपकी जाति की बहुलता है तो आप अपने आप को ऐसा स्थापित करें कि हम अपनी जाति से हम ही जो है तो चुनाव निकाल सकते हैं। यह स्थापित कैसे करेंगे, इसके भी हम चर्चा बातों के क्रम में अगले वीडियो में, नहीं तो इसी वीडियो में भी कर लेंगे। और दूसरी चीज है कि अगर किसी को स्वीकार्य नेता बनना चाहते हैं, यह जरूरी है कि आपकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। साफ सुथरी छवि होनी चाहिए, लेकिन आपका इमेज सीधे साधे का नहीं होना चाहिए। जैसे आपको लोग नेता बनाएंगे, आप किसी का समर्थन हासिल करेंगे, तो क्या करेंगे, क्यों आपको लोग समर्थन दे? तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनके काम के लिए कहीं पर आई टू आई कांटेक्ट करके आप कहीं पर उनसे संपर्क कर सके, उनका काम करवाने के लिए थोड़ा आपको कड़ा रुख भी अपनाना पड़े तो आप कड़ा रुख अपना सकते हैं। ऐसा उनको दिखना चाहिए, ऐसा उनको लगना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है। और अगर पैसे नहीं हो तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चर्चा पर्चा और खर्चा, अगर खर्चा नहीं हो तो क्या करें, आप कैसे चुनाव में आए, उसके लिए एक सिंगल वीडियो बनाएंगे कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो चुनाव कैसे लड़ें। तीन बिंदु मैं बताया हूं, उससे आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि इसको भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि अगर आपको बिना पैसे का चुनाव लड़ना है तो आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होनी चाहिए। क्या टैलेंट होनी चाहिए यह मैं आपको बताऊंगा, जब उसकी चर्चा हम करेंगे तो अगले वीडियो में यह हम बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपका प्रतिद्वंदी, सामने वाला प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा मजबूत हो, अनैतिक कार्य करता हो, उसकी बहुत ज्यादा चलती है, दबंग हो, तो आप चुनाव कैसे लड़ पाएंगे, चुनाव लड़ने के लिए आप क्या कर पाएंगे, कैसे उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो कल हम चर्चा किए थे उस बारे में कि हमें महान जो रणनीतिकार कौटिल्य चाणक्य नीति अपनाना होगा। घनानंद बहुत ही क्रूर और अनैतिक कार्य करने वाला शासक था, उसके पास धन की कमी नहीं थी, सेनाएं बहुत बड़ी थी, फिर भी चाणक्य ने एक 12 वर्ष के लड़के को साथ लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, घनानंद जैसे विशाल साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। तो चुनाव में वैसे दबंग प्रत्याशियों से या मजबूत प्रत्याशियों से आप कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे, इसको समझिए। वह राजे रजवाड़ों का दौर नहीं है, बहुत सामने वाला प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा मजबूत है, अनैतिक है। तो चाणक्य कहते हैं कि सामने वाला जो नीतियां अपनाता है, जो हथियार उपयोग करता है, वही हथियार आपको उपयोग करना चाहिए। हालांकि जो ग्राम पंचायत जो है, गांधी जी का सपना है, ग्राम स्वराज का सपना है, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी कहती है कि आपका साधन और साध्य दोनों पवित्र होनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि आपको जो लक्ष्य पवित्र है तो उसका साधन भी पवित्र होना चाहिए। तो गांधी जी को की बात भी सही है, लेकिन गांधी जी को हम बहुत बड़े राजनेता नहीं कह सकते। राजनेता तो उनको बना दिया गया बाद में चुनाव में फायदा लेने के लिए। गांधी जी महात्मा थे, समाजसेवी थे, इसलिए साधन और साध्य की बात करते हैं।
अब हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा मजबूत है, दबंग है, तो उससे चुनाव में उससे कैसे हम पार पाएंगे, कैसे लड़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो आपका जो दबंग प्रत्याशी जो है, जो बहुत ज्यादा मजबूत प्रत्याशी है या पहले से वह सत्ता में है, तो उसकी कमजोरी क्या है, उससे लोग नाराज क्यों हैं, कोई तो उसमें ऐसी कमी है जो क्या गलत करता है, उसको हम उजागर करेंगे। दूसरी बात है कि आप पहले भी मैं बताया था कि आपको एक एक व्यक्ति से संपर्क करना है, तो पहले सर्च कीजिए, आप ढूंढिए कि उसका दुश्मन कौन है, उसका विरोधी कौन है। तो कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आप उससे संपर्क कीजिए, उसकी विरोधियों को ढूंढिए और विरोधियों से दोस्ती गाठिए, मित्रता बढ़ाइए। और अगर ज्यादा दिनों से सत्ता में है तो उससे नाराजगी है, उस नाराजगी को लोगों को बताइए कि उसमें क्या कमी है, उसकी कमियों को उजागर कीजिए। बात है कि अगर उसका विरोधी कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कोई विरोधी नहीं होगा, अगर किसी व्यक्ति का, कोई नेता का कोई विरोधी नहीं है तो वह लोकप्रिय नेता है, तो फिर आप भी उसके मुरीद हो जाइए। इसलिए यह तर्क नहीं दीजिएगा कि उसका कोई विरोधी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको उसका विरोधी नहीं मिल पाएगा, उसकी दबंगता के चलते आपके सामने कोई मुंह नहीं खोलता है, तो फिर वही चाणक्य नीति ही अपनाइए। जब चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर मनसबदारों के पास जाते थे चाणक्य, तो उनसे पूछते थे कि है कौन, कहते थे चाणक्य जाके बोलते थे कि हम इनको लेके और हम घनानंद को हराएंगे, घनानंद को की सत्ता को नेस्ता नबूत कर देंगे, तो मिलने के लिए लोग तैयार नहीं होता था, कहता कि है कौन। तो चाणक्य ने सबसे पहले एक छोटे 10-15 गांवों की रियासत बनाई थी और चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का राजा बना दिया था। उसके बाद परिचय देता था कि देते थे चाणक्य कि यह यहाँ का राजा है और आपसे बात करना चाहते हैं, तो मामला जब बराबरी की आती थी तो साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरह आपको एक एक लोगों से संपर्क करके एक टीम बनाना होगा, ऐसा दिखाना होगा लोगों की यह आदमी उसको टक्कर दे सकता है। जब लोगों के मन में ऐसा विश्वास हो जाएगा कि आप टक्कर दे सकते हैं, तो उसके विरोधी उसके जो विरोधी हैं आपके पास ढूंढते हुए आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे, धीरे धीरे आपका कुनबा बड़ा होता जाएगा। लेकिन बहुत सी बात ऐसी है कि अगर कोई छोटा सा पंचायत चुनाव जो होता है, छोटे स्तर का होता है, कोई सामने से उसका विरोध करना नहीं चाहेगा, चाहे कोई प्रभावी आदमी है, बहुत ज्यादा उसके संपर्क में नहीं है, उतना विरोधी भी नहीं है, लेकिन उसका मित्र भी नहीं है, लेकिन वो आपके लिए उससे पंगा भी नहीं लेना चाहता है, तो कम से कम उससे इतनी दोस्ती तो कर लीजिए कि वो आपके विरोध में नहीं जाए। तो यह स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी पंचायत चुनाव में अगर विरोधी बहुत तगड़ा है तब। तो दोस्तों, ये विरोधी तगड़ा है तो इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाना है, और स्थान के जगह पे, स्थान आपका सामाजिक ढांचा और बुनावट के जगह पे, ये आपकी स्ट्रेटजी बदलती रहती है, आपको उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। हम क्लू दे सकते हैं और जो जो नीतियां कहती है उसको बता रहे हैं। तो यह थी अपने विरोधियों को, मजबूत विरोधियों से लड़ने का एक दो चार जो पहलू है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों, हम भी भूल गए आपसे यह कहने के लिए कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर देखते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटजी बनाने की बात, लेकिन पंचायत चुनाव में पैसे नहीं हो आपके पास, आप पैसे से कमजोर हैं, तो चुनाव कैसे जीते, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो अभी सबसे विभत्स रूप बिहार में देखने को मिल रहा है दोस्तों, मिलता हूं बहुत जगह से, तो मुखिया के चुनाव में वोट खरीदे जाते हैं, 1,000 रुपये में नहीं, कहीं कहीं 3,000, 4,000, 5,000 रुपये में एक वोट खरीदा जाता है, तो उसको आपको टक्कर देना है, तो आप में काबिलियत होनी चाहिए। क्या काबिलियत होनी चाहिए, ये हम
अगले वीडियो में बात करेंगे, उस काबिलियत को कैसे डेवलप करें, बिना पैसे का चुनाव आप कैसे निकाल पाए, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग वीडियो पर नहीं आते हैं। और दोस्तों एक बार और गुजारिश है, आप चलते चलते आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगे, अगर आप देख रहे हैं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन लगे किसी को यह वीडियो फ़ायदा हो सकता है तो उसके पास शेयर भी कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों यह वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप मतलब देखेंगे और हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं रणनीतिकार हूँ, मैं अगर पैसे की बात होती तो जिस बहुत जगह से लोग कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि इस बार चुनाव में मेरा मैनेजमेंट देख लीजिए, मेरा मैनेजमेंट देख लीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य यह नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि गांधी जी के सपना जो ग्राम स्वराज की है उसको जागृत करना है, उसको इम्प्लीमेंट में लाना है, और इम्प्लीमेंट में तभी आएगा जब सक्षम और जागरूक लोग इस चुनाव में भाग लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत कर आएंगे। और इतने पर ही मैं नहीं रुकने वाला हूँ, जब चुनाव खत्म हो जाएगी तो जो जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे उसको कैसे चाबुक लगाया जाए, कैसे कान उठा जाए, कैसे अपने जो खजाना को बचाया जाए, इसका भी मैं तरीका बताऊंगा लोगों को, आम मतदाता को भी और जनता को जागरूक करने का काम करूंगा। और दोस्तों जो आपने आशीर्वाद दिया है, इतना आशीर्वाद जो हर वीडियो में देते हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।